हिंदुस्तान के एक अजीम पीर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया, जिन्हें साबिर कलीरी या कलियार का साबिर के नाम से जाना जाता है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया रहमतुल्लाह अलैह का हाल ही में 756वां सालाना उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें जायरीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके इस बुजुर्ग के तईं गिलहाए अकीदत पेश किया। आप 13वीं सदी के एक मशहूर हिंदुस्तानी मुस्लिम मुबल्लिग और सूफी संत बुजुर्ग हैं। आप हजरत बाबा फरीद के भतीजे और चिश्ती सिलसिला की साबरिया शाख में से पहले जानशीन है। आपकी आखिरी आरामगाह, जिसे उर्फ आम में सूफी मजार कहा जाता है, हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड में हरिद्वार के करीब कलियार शहर में वाका है। इस दरगाह ने हिंदुस्तान के सभी मजाहिब में हम आहंगी और रवादारी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। खानकाहें जो हैं, ये दरगाहें हैं, इनमें बगैर किसी मजहब व मिल्लत, बगैर किसी रंग बिरादरी कोई चीज़ किसी तरह के कोई मामलात नहीं होते हैं। इसमें हर धर्म का आदमी किसी भी टाइम किसी भी वक्त अपनी आस्था के मुताबिक हाजिरी दे सकता है। आप हिंदुस्तान में क्या कहीं भी दुनिया में किसी भी खानकाह में चले जाएं, सूफियों का खानकाहों का मतलब ही प्यार और अमन का है। ये पैगाम इन्होंने अमन व अमान से, इन्होंने इस्लाम के लिए काम किया है, दावत इस्लाम लोगों को दी है, वही अमन का पैगाम लेकर आज खानकाहों पर जो सज्जादगान मशायख उलेमा बैठे हैं वो इसी तरह का काम कर रहे हैं ताकि कौम व मिल्लत के लिए और तमाम मजहब व मिल्लत के लोगों के लिए खिदमत कर सके। अब यहाँ बगैर किसी रुकावट के हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बैठ के आपस में खाना खाते हैं। हर मज़हब के लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए यहाँ दोनों तरह के लंगर का इंतज़ाम होता है। वैष्णो लंगर भी होता है, नॉन वेज भी होता है, वेज भी होता है। तो हर तरह का माकूल इंतज़ाम इन वलियों के दरबार पर होता है। एक दिन एक इंसान के कल्ब को, जहन को जो सुकून मैसर होता है, इसीलिए फिर लोग दूर दराज से सरकार में और दरगाहों पर हाजिरी के लिए जाते हैं। ख्वाजा सुल्तानुल आरिफीन सैयद साबिर पाक अली अहमद पीर गौसल आजम सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ पोते हैं। साबिर कलीरी के वालिद सैयद अब्दुल सलाम अब्दुल रहीम जीलानी सैयद अब्दुल वहाब जीलानी के बेटे सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बेटे थे। आपकी वालिदा सैयदा जमीला थी, जो बाबा फरीद गंज शक्कर की बड़ी बहन और उमरुल फारूक की बराह रास्त औलाद थी। अलाउद्दीन साबिर कलियारी अफगानिस्तान के शहर हुर्रात में पैदा हुए। वालिद की वफात के बाद वालिदा उन्हें पाक पतन बाबा फरीद के पास ले आईं। आपकी दरगाह पर हर मजहब के लोग, जिनमें हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई शामिल हैं, हाजिरी देते हैं। यहाँ आपको भाई, आपको हर साल ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पब्लिक दिखेगी, हर साल लोगों की तादाद बढ़ते हुई दिखेगी। और आपको यही नहीं, आपको एक ही फिरका नहीं, आपको हर किस्म का आदमी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पारसी, हर किस्म का आदमी हर साल मिल जाएगा। और आप पूछेंगे 700 साल पहले या 800 साल बाद, आप अभी अपना कैमरा उठा के देख लें, यहाँ पर अभी आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरीके का आदमी देखने को मिल जाएगा। यहाँ की खसूसियत है, यहाँ पे आदमी जब भी आया है तो खाली हाथ नहीं लौटा है। और इससे बड़ी खसूसियत यह है कि यहाँ पे आज तक कोई भूखा नहीं गया है। रात के 2 बजे या 3 बजे या सुबह का फजर का टाइम हो, आपको खाने की भूख लगी, आप सरकार साबिर पाक में हाजिरी दें, आपको खाना ज़रूर मिलेगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको दिल्ली के लिए मुतय्यन किया और फरमाया, पहले हांसी जाकर अपने भाई जमाल से उस पर मुहर सबत करा लेना। जब आप सनद लेकर हांसी पहुंचे तो हजरत शेख जमालुद्दीन हांसवी ने नहायत मोहब्बत और एहतराम से आपकी मेहमान नवाजी फरमाई और
पीर रोशन जमीर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के हालात, सेहत और मालूमात के मुतल्लिक गुफ्तगु करते रहे। इसके बाद आप प्यार मोहब्बत और रवादारी के पैगाम को आम करने के लिए उत्तराखंड जा पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। आपकी दरगाह पर जो कोई भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। ये अकीदा यहाँ आने वाले अकीदतमंदों का है। यहाँ आने वाले अकीदतमंदों में गैर मुल्की जायरीन भी शामिल होते हैं। साबित सरकार का बड़ा कर्म है जो हमारे साथ आए हैं, हमारे साथी सब पे कर्म है, इस करके हर साल साबित सरकार के दर्शन करने के लिए आते हैं। इससे बहुत सुकून आता है जी, बहुत सुकून आता है, बड़ा कर्म है सरकार साबित सरकार का। सब इनकी दया दृष्टि चाहिए, बाबा फरीदुद्दीन की बहुत कृपा चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, सिद्ध दरगाह है और बाबा फरीद जी का आस्थाना है, साबित सरकार का आस्थाना है, जहाँ से कोई भी नहीं खाली मुड़ता, सबकी झोली भर के जाती है। यहाँ से चार चार पाँच पाँच घंटे आदमी लाइन में लगता है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई से भी धर्म का आदमी हो, तो यहाँ लाइन में लग के अपनी ज़ियारत करता है, दुआ अपनी मांगता है, उसकी दुआ कबूल होती है अल्लाह की रहमत से। तो ये बहुत बड़ी हस्ती है, इसलिए यहाँ से सभी तरह के धर्म वाले लोग आते हैं। फूल है, चादर है, ये देखो ये फूल है, और ये पीछे रखी है चादर है, सभी तरह के यहाँ प्रसाद चढ़ते हैं, जैसी आपकी तो इच्छा करती है आप वो प्रसाद चढ़ा सकते हैं। सदियों से पीर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह जैसे सूफी बुजुर्गों ने हिंदुस्तान में एक अटूट बंधन को फरोग दिया और परवान चढ़ाया। इसी पैगाम की वजह से मुल्क भर में मुख्तलिफ अकायद रखने वाली बिरादरियों के दरमियान अमन और भाईचारा महफूज रहा है, जबकि ये विरासत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। पीर हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह की हयात तय्यबा का मकसद ऐन भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाना था, खल्क को खालिक से जोड़ना, उनके अंदर तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मे को बंदगाने खुदा से रोशन करना ही आप रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा रहा है। सुबह फूलते ही रात गई आधा, आज क्यों रो दुख राधा दित, सुबह उबरी और बीते रात के राजो नियाज, तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज, तू अभी बिस्तर पे मुर्दे की तरह से है दराज,